everyone, this is me Jolly Yadav welcoming you back to our channel Reality 360 Degree. Guys, today we are at Aditya World City and आज मैं आप सभी के लिए एक newly launched project लेकर आई हूँ जिसका रेरा अभी कुछ दिन पहले ही receive हुआ था. Project का नाम है दिव्यांश आर्यन. So guys, like I told you, ये project आपका आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर located है. तो मैं project के बारे में discuss करूँ, उससे पहले I would like to tell you all about आदित्य वर्ल्ड सिटी. बेसिकली ये एक टाउनशिप है, 600 एकर्स के एरिया में पूरी टाउनशिप आपकी स्प्रेड हो रखी है, जिसमें कई सारे बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं. एंड वन अमंग सच बिल्डर इज दिव्यांश, जिन्होंने अभी 10 दिन पहले ही अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है. आदित्य वर्ल्ड सिटी में आपको कई तरीके की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं. यहाँ पर आपके हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, लो राइज विलास हैं, उसके साथ साथ प्लॉट्स भी हैं. उसके अलावा कई सारे यहाँ पर कमर्शियल्स प्रेजेंट हैं एंड इन फ्यूचर यहाँ पर एक पेट्रोल पंप आने वाला है. साथ ही साथ रिनाउंड पैन इंडिया ग्रुप गोदरेज इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च इट्स न्यू प्रोजेक्ट इन दिस रीजन. The best thing about Aditya World City is its perfect location. This township is situated right on NH24, bang on NH24 की location है and इसकी वजह से यहाँ से आपको connectivity बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है. NH24 से आपको मेरठ से दिल्ली तक की seamless connectivity मिल जाती है. मेरठ is hardly 30 minutes from here. Again, Delhi is around 25 minutes from this location. एंड आदित्य वर्ल्ड सिटी से आपको बाकी सिटीज की भी काफी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है. FNG इज एक्सेसिबल, उसके साथ साथ नोएडा एक्सटेंशन इज अराउंड 12 मिनट्स फ्रॉम हियर, नोएडा इज 15 मिनट्स फ्रॉम हियर. एंड आसपास के अगर हम रीजन की भी बात करते हैं, सो दिस इज अ न्यूली डेवलप्ड एरिया. कई सारे बिल्डर्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड है एंड कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है. एंड इन फ्यूचर यहाँ पर कई सारे और प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं. इट इज अ न्यूली डेवलप्ड सेक्टर एंड यहाँ पर डेवलपमेंट का काफी ज्यादा अभी स्कोप है. इन द लास्ट फ्यू इयर्स दिव्यांश ग्रुप हैज अटेंड अ वेरी गुड रेपुटेशन इन द रियल एस्टेट मार्केट एंड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ देयर पास्ट वर्क. दिव्यांश ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में अपने कई सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं इन द NCR रीजन. उनके रीसेंट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो वो रहेंगे दिव्यांश ऑनिक्स, दिव्यांश फ्लोरा, दिव्यांश फेबियो एक्सेट्रा. इनफैक्ट कुछ ही महीने पहले दिव्यांश ऑनिक्स इन द सेम लोकेशन, नियर बाय लोकेशन में ग्रुप ने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है एंड उसके बाद वो अपना नया प्रोजेक्ट आदित्य वर्ल्ड सिटी में लेकर आए हैं, जिसका रेरा अभी 10 से 15 दिन पहले ही रिसीव हुआ है. इस प्रोजेक्ट की हम बात करें तो ये अभी लॉन्चिंग का टाइम है इस प्रोजेक्ट में. अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रेट्स अभी लॉन्चिंग रेट्स हैं एंड प्रोजेक्ट में रेट्स बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाएंगे. प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ. तो बिल्डर ने बेसिकली यहाँ पर अराउंड 3.5 एकर्स की लैंड परचेज की है, फुली पेड अप लैंड है एंड यहाँ पर इनके सिर्फ 3 टावर्स ही रहेंगे. लग्जरी कॉन्सेप्ट पर आपका ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है एंड यहाँ पर आपके 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स रहेंगे. साइजेस आपको काफी सारे यहाँ पर मिल जाते हैं एंड वो आपके स्क्रीन पर मेंशन है. साथ ही साथ यहाँ पर आपको लग्जरी अमेनिटीज भी मिलेंगी. प्रोजेक्ट में आपका 70-80% ओपन कम ग्रीन एरिया रहेगा, जिसमें आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए कई सारी चीजें मिल जाएंगी. क्लब हाउस आपका प्रेजेंट रहेगा, इंडोर आउटडोर गेम्स रहेंगे, कैफेटेरिया बैंकेट हॉल जैसी फैसिलिटीज भी आपको यहां पर मिलेंगी. उसके साथ साथ स्पा, सोना, जकूजी, लाइब्रेरी, दीज अमेनिटीज विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन दी सोसाइटी. पूरे प्रोजेक्ट में आपके सिर्फ 2 एंट्री गेट्स रहेंगे, जिनमें आपको 5 लेयर्स सिक्योरिटी मिल जाएगी. सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको साइजेस काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं. सिंस प्रोजेक्ट आपका लग्जरी सेगमेंट का है तो यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उसके साइजेस भी काफी ज्यादा स्पेशियस है. गाइस, दिव्यांश आर्यन आपकी 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी रहेगी, 3 साइड ओपन आपका प्लॉट रहेगा एंड इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स रहेंगी, जितने भी अपार्टमेंट्स रहेंगे, उनको विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी, प्लस लाइट एंड वेंटिलेशन भी काफी प्रॉपर आपका रहेगा. उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे टावर्स की बात करती हूँ, सो लाइक आई टोल्ड यू यहाँ पर सिर्फ 3 टावर्स रहेंगे एंड उनकी टावर हाइट
G+19 फ्लोर्स की रहेगी, जिसमें से दो टावर्स में एक फ्लोर पर आपके चार अपार्टमेंट रहेंगे दो लिफ्ट के साथ, एंड थर्ड टावर में आपके एक फ्लोर पर 5 अपार्टमेंट्स रहेंगे विद 3 लिफ्ट्स। सभी टावर्स में आपकी सेपरेट एंट्रीज रहेंगी एंड आपके ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर वेटिंग एरिया एंड रिसेप्शन एरिया भी प्रेजेंट रहेगा। प्रोजेक्ट आपका वास्तु फ्रेंडली रहेगा एंड वास्तु को माइंड में रखकर ही इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है। ये कम्प्लीटली आपका माइवान फ्रेमवर्क पे भी डेवलप होगा। प्लस पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट में रहेगी। यहाँ पर आपको डबल बेसमेंट पार्किंग मिल जाती है। So guys, that was all about our today's project, Divyansh Orient. ये आपका newly launched project है, and आपको ये project कैसा लगा? Do tell us in the comment box. I would like to summarize this project by telling the major USPs of this location and this project. So, like I said, location बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, and सबसे major USP भी इसकी यही है। NH24 की प्रेजेंस से आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी सभी जगह की बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर लोकेटेड है, जो कि एक टाउनशिप है, एंड टाउनशिप के साथ आपको मिल जाते हैं कई सारे बेनिफिट्स, जैसे कि यहाँ पर आपका टेम्पल ऑपरेशनल है, यहाँ पर आपको कमर्शियल्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। स्का कमर्शियल इज नियर बाय, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, एंड वो एक हाई स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स है। उसके साथ साथ पार्क टाउन इज नियर बाय, एंड इन फ्यूचर यहाँ पर मॉल्स भी डेवलप होने वाले हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पर ATS खाइबर, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है, वो भी नियर बाय है। टाउनशिप के अंदर आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप जैसी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, बैंक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, स्कूल इज ऑल्सो हियर, यहाँ पर सेंट जेवियर्स हाई स्कूल अभी एट प्रेजेंट ऑपरेशनल कंडीशन में है। सो टाउनशिप के आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको ओपन एरिया ग्रीनरी बहुत ज्यादा मिल जाती है कम्पेयर टू एनी अदर लोकेशन इन दी NCR रीजन। जी हाँ, आदित्य वर्ल्ड सिटी में आपका 70% ओपन एरिया यहाँ पर है। इनफैक्ट यहाँ पर हाई राइज बहुत ही लिमिटेड है, मेजरली यहाँ पर लो राइज ही है, तो यहाँ पर आपको ओपननेस काफी ज्यादा मिल जाती है। प्लस कई सारे यहाँ पर पार्क्स डेवलप किए हुए हैं, ग्रीनरी काफी ज्यादा यहाँ पर इन प्लेस है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ के फ्यूचर डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर कई सारे और रिनाउंड बिल्डर्स भी इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो अगर आप अप्रिशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो यहाँ पर अप्रिशिएशन का स्कोप भी काफी ज्यादा है। अभी खबरें ये भी हैं कि गोदरेज भी यहाँ पर एक लैंड खरीदने वाले हैं, ऑल्दो वो अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है कि वो किस लोकेशन पर किस जगह आदित्य वर्ल्ड सिटी या वेव सिटी में लैंड खरीदेंगे, बट वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आने वाला है। एंड आप सोच सकते हैं जब यहाँ पर गोदरेज आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर प्राइसेस आपके नेक्स्ट लेवल होंगे। इनफैक्ट मैं आज के टाइम की भी बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं उनके आज के टाइम पे 9,000 से 10,000 के रेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। वही अगर मैं दिव्यांश ओरियन की बात करती हूँ, जो कि अभी लॉन्च हुआ है, वो एक प्रीमियम सोसाइटी आपको दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 7,000 के PSP पर। जी हाँ, 7,000 पर स्क्वायर फीट का आपका रेट रहेगा, प्रीमियम सोसाइटी रहेगी, एंड कम्पेयर टू अदर प्रीमियम सोसाइटी यहाँ पर आपको कम से कम 3,000 का डिफरेंस मिल जाता है। गाइज ऑफ कोर्स ये अभी न्यू लॉन्च है, इसलिए आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, बट विद इन फ्यू मंथ्स ये आपके प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। करीबन 1.5 से 2 महीने में प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे एंड तब आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप दिव्यांश ओरियन प्रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आप एक एंड यूजर हैं जो कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, आप 3 से 4 साल वेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो उनके लिए भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एक यहाँ पर एक अच्छी प्रॉपर्टी लेकर अपनी डाल सकते हैं एंड फ्यूचर में यहाँ पर मूव इन कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य वर्ल्ड सिटी एंड वेव सिटी दे आर द फ्यूचर ऑफ गाजियाबाद। गाजियाबाद में पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है, वहां पर डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं बचा हुआ है, एंड दीज एरिया आर द एक्सटेंशन ऑफ गाजियाबाद, एंड गाजियाबाद की सारी फ्यूचर डेवलपमेंट इन्हीं रीजन में है। सो ये आने वाले टाइम में गाजियाबाद का हॉटस्पॉट रहेगा। सो गाइज बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, इनफैक्ट न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, जो कि काफी लोगों की डिमांड होती है, तो वो दिव्यांश ओरिएंट को चूज कर सकते हैं। प्लस बिल्डर के रिकॉर्ड की बात करें, तो बिल्डर ने भी कई सारे प्रोजेक्ट अपने सक्सेसफुली
डिलीवर कर दिए हैं, सो बिल्डर का रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट एट प्रेजेंट हम यहाँ इस एरिया की बात करें तो कई सारे रेनाउंड बिल्डर्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि VVIP, AIGN, मरीना स्वेक्स इज हियर, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारे और बिल्डर्स भी हैं। ATS इज नियर बाय, उसके साथ SKA इज ऑल्सो नियर बाय, गौर इज ऑल्सो नियर बाय, सो कई सारे रिनाउंड बिल्डर्स भी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड अगेन फ्यूचर में भी कई सारे और बिल्डर्स भी यहाँ पर आएंगे। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट दिव्यांश ऑरियन। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अलग से अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट देख रहे हैं, देन यू मस्ट Give a visit to this project at least once. एक बार आपको यहाँ पर आना चाहिए, प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहिए, एंड इसके बारे में और डिटेल्स जाननी चाहिए। You would surely want to invest in this project. And that was all about this video, guys. Thank you so much for watching it till the end. I'll see you in the next one. Bye-bye.